चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है विदाउट लहसुन प्याज की रेसिपी है। फ्रेंड्स देखिए, काले वाले चने और काबुली चने दोनों मिक्स है। फ्रेंड्स देखिए, इस चने को मैं लगभग 7-8 घंटे ओवरनाइट मैंने पानी में छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए, अच्छे से ये फूल जाना चाहिए। पानी अच्छे से सोख कर लेंगे तो क्या होंगे, ये बहुत हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा उबालना भी नहीं पड़ेगा आपको बहुत देर तक, और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इसका टेस्ट भी अलग होते हैं और पाचन में भी बहुत अच्छे से ये मदद करेंगे, बहुत अच्छे से पच जाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि इंस्टेंट वाली जो चीज़ें होते हैं आप उसको ज़बरदस्ती करते हैं, वो उसका जितना टाइम चाहिए उतना चाहिए ही। तो गर्मी का टाइम है फ्रेंड्स, ये 5-6 घंटे भी आप इसको पानी में अगर छोड़ देते तो अच्छे से ये फूल जाते हैं मतलब। तो फ्रेंड्स ये तो फिर आप इसको गर्म पानी 30-40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच नमक डाल के तो अच्छे से वो भी फूल जाते हैं, पानी अच्छे से सोख कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ देखिए मैं कुकर में ऑयल गर्म होने दे दिए थे फ्रेंड्स, और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा 1 चम्मच और 2 लाल मिर्च डाल दिए हैं तड़के के लिए फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ चने को अच्छी तरीके से धो लीजिए, 4-5 पानी में अच्छे से इसको वॉश करने के बाद सारे डस्ट निकल जाता है। इसका कलर देखिए फूल जाने को कितना अच्छा हो गया है। और काबुली चने और काले वाले चने दोनों को मैं मिक्स की हूँ तो देखिए दोनों का कलर कितना एकदम बहुत ही लाइट कलर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छे से जब फूल जाते हैं इसका कलर चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ 1 आलू भी मैं डाल दी हूँ ताकि ग्रेवी को अच्छे से आप थिक कर पाएँ। फ्रेंड्स अगर लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं, ग्रेवी वाले बना रहे हैं तो उसको थिक करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 1 आलू डाल दें, इससे ग्रेवी थिक हो जाएंगी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कि विदाउट लहसुन प्याज के। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ और अभी ऑयल और मसाले सारे को मिक्स करके अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले हल्दी डाल देते हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग आप हल्दी डाल दें। मैं यहाँ 2 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी हूँ, छोटी चम्मच में 2 चम्मच है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं यहाँ धनिया का पाउडर भी डाल दे रही हूँ, देखिए 1 चम्मच छोटी चम्मच में 1 चम्मच है, और यहाँ 1 से 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं जिसको पीस लेना है, और फ्रेंड्स 1 सीक्रेट मसाले यहाँ डाल रही हूँ जो कि आप सबको पता नहीं होगा, तो चलिए बताते हैं। उससे आप इस सब्जी का मतलब इस छोले का टेस्ट ही बदल जाते हैं और बहुत अच्छे टेस्ट, स्मेल भी बहुत अच्छे आएंगे फ्रेंड्स और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ खड़े मसाले को पीस लेते हैं। तो यहाँ जीरा ली हूँ 1 चम्मच से 1.25 चम्मच जैसा जीरा है, और यहाँ 1/2 चम्मच जैसे गोलकी है, अदरक है, गरम मसाले हैं खड़े मसाले में इलायची, लौंग, और फ्रेंड्स छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और हरी मिर्च ले लिए। हरी मिर्च से क्या होता है, थिक होते मसाले, तो अगर लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं तो हरी मिर्च और अदरक डाल देते हैं पीस के, तो इससे मसाले थिक हो जाते हैं मतलब आपकी ग्रेवी थिक हो जाएंगे। और इसको अच्छे तरीके से पीस लें, ये तो सिलबट्टे में, ये तो मिक्सर जार में। फ्रेंड्स इसको फ्राई करना है कुछ देर के लिए ताकि अच्छे से मसाले और चने अच्छे तरीके से मिल जाए दोनों। तो यहाँ लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद फ्राई करने के बाद देखिए मसाले अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाते हैं तो चने में ये चिपकने लगते हैं बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। तो अब यहाँ चलिए पहले यहाँ नमक डाल देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 1 छोटी चम्मच में देखिए यहाँ नमक डाल रही हूँ, टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक डालें। तो फ्रेंड्स यहाँ नमक और लाल मिर्च डाल देते हैं, और नमक यहाँ कम ही डालें क्योंकि अगर सब्जी में थोड़ी मिठास रहते हैं चने वाले में तो उसमें अच्छे लगते हैं। अगर नमक ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स तो उसका भी एक ट्रिक है कि आप एक आटे का गोल बन मतलब गोली जैसे होता है, एक लोई जैसा रोटी बनाते हैं उसे बना के डाल के 10 मिनट छोड़ दें तो नमक वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये भी एक ट्रिक है फ्रेंड्स। यहाँ नमक डाल दिए, उसके बाद देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं कलर के लिए, और 1 चम्मच देखिए ये मैं सिगरेट मसाले डाल दी हूँ, ये मीट मसाले है फ्रेंड्स। इसको डालने से बहुत अच्छे टेस्ट आ जाते हैं और बहुत अच्छे स्मेल भी ये करते हैं फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर डालें इसको, देखिए टेस्ट ही बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ इसको क्या करेंगे, फ्राई अच्छे तरीके से हो गया तो यहाँ पानी डाल दें, पानी इतना कि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ लगभग 2 से 3 कटोरी पानी डाल दी हूँ, लगभग 1/2 लीटर जैसा इसमें पानी डाल देते हैं। और पानी डाल के इसको मैं 6 सिस्ट लगाऊंगी, 6 बेसन लगाना है तो उसमें 3 आप हाई में लगाएं और 3 एकदम लो में कर दें तो अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ 1 चम्मच चाट मसाला भी डाल दी हूँ,
चाट मसाला से इसका टेस्ट भी अच्छे आ जाएंगे और थोड़ी सी खटास आ जाती है तो ये चटपटा हो जाते हैं फ्रेंड्स। चटपटा बनाने के लिए अब एक चम्मच चाट मसाला डाल दे तो उसके बाद यहाँ मैं पानी डाल देती हूँ और पानी चने के ऊपर तक डालने हैं। कोई भी आपको अगर मापना नहीं आता देखिए इसे कितना डालें कितना नहीं, तो चने से ऊपर आनी चाहिए पानी, आपकी जो सब्जी है उससे ऊपर आनी चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए अच्छे से इसमें डाल दिए हैं और 6 बार लगाना है, 6 सीटी में, आप 3 सीटी इसको हाई फ्लेम में और 3 सीटी लो में, तो ऐसे करके मैं डाल दी हूँ। देखिए मतलब चने अच्छी तरीके से डूब गए हैं, उतना पानी आपको डालना है ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि काबली चने में पानी सोख करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पानी कम लगे ग्रेवी के लिए तो बाद में इसमें डाल के आप खुला दें अच्छी तरीके से उसको 1-2 मिनट के लिए, तो भी ग्रेवी अच्छी से बन जाते हैं। यहाँ मैं इसको सॉफ्ट होने के लिए ये 2 पिंच जैसा खाने वाले सोडा डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी बहुत अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसका ढक्कन लगा के सीटी लगा देते हैं, 5 से 7, 5-6 ही लगाना है, उसके बाद बंद कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसका कलर और टेक्सचर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको लगभग 6 सीटी लगा दी हूँ, उसके बाद इसको यहाँ अच्छे तरीके से मिला लेंगे मसाले वगैरह सब, क्योंकि इसको बीच बीच में चला तो नहीं रहे थे जब ये बन रही थी, तो अब यहाँ अच्छे तरीके से चम्मच से मिला लें मसाले को अच्छी तरीके से, और ये आलू को भी मिला देंगे, सब आलू को नहीं इसमें तोड़ के डालना है, थोड़ी सी इसे चम्मच से आप 1 पीस 2 पीस को ही, और देखिए ये बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए विदाउट लहसुन प्याज का लग रहे हैं नहीं ना, एकदम थिक ग्रेवी के साथ तैयार है काले वाले चने के छोले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं लहसुन प्याज के काले वाले छोले के चने और काबली चने छोले भटूरे ये सारे रेसिपी मेरे चैनल में है फ्रेंड्स, आप सबको दी हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इतने अच्छे और इतने टेस्टी, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी मिलेंगे विदाउट लहसुन प्याज के फ्रेंड्स। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो इस समय आपको ये सारी रेसिपी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही फ्रेंड्स, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप सब ने ये वीडियो देखा, देखिए अरबी के पत्ते के पकौड़े फ्रेंड्स ये ग्रेवी के साथ हैं, और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं जो ग्रेवी के साथ इसको बनाई हूँ बहुत कम और बहुत कम टाइम में और बहुत इजी से आप बना सकते हैं बहुत इजीली। इसके पकौड़े या तो ग्रेवी दोनों ही बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, और ये आपके मुंह में खुजली भी नहीं होंगी इस तरीके से।